धीरे धीरे आप पूजा को पूरा सिखा दो। पूजा किसे कहते कितनी शांत प्रीता अनुशासन में इसको देखो समझो ये कैसा काम हो रहा है। अगर इतने आदमी और किसी के आ जाते ये तोड़ फोड़ आंदोलन करते तो मैं कुछ नहीं करता। इतने कहीं में देखिए आप कोई दुकानदार नहीं कर सकता कि सामान लिया पैसा नहीं। कोई रेल वाला बसों वाला ये थ्री व्हीलर फोर व्हीलर ये नहीं कर सकता इन्होंने किराया नहीं दिया। पहले समझो ये अपना भोजन अपना नाश्ता लेके आए ये तुमसे कुछ लेने मांगने नहीं आए और तुमने दिया भी कुछ नहीं दिया। क्या दिया यहाँ से बात समझे अच्छा सच्चा रास्ता मत बताओ ये ऊंचा पूजा मत सिखाओ ये बता रहे इनकी मानवता इंसानियत को पढ़िए जरा इसको आप देखो ये भी नहीं है समझ पा रहे जिसके इशारे में इतने लोग या क्या नहीं करा सकता लेकिन वो कामयाब नहीं होता अगर हो जाएगा तुम सवाल नहीं तुम्हारे किसी के बस एक इशारा अगर कर दो इस बाजार में करोड़ वापी अभी तुम्हारे सबको बुलाया ही नहीं कोई आवाहन नहीं किया ये थोड़े लोग आ गए पूजा करके अपना चले जाएंगे या क्या यहाँ वो रहने आए क्या जमीन को लेने आए हैं या किसी का कोई बिगाड़ या तुम्हारी शासन प्रशासन की व्यवस्था में कोई बाधा डालने आए ये तो तुम्हारी मदद कर रहे सहयोग दे रहे आप इतना बड़ा जन्म तुम्हारे किसी के बस का नहीं है और अपने आप स्वयं सुरक्षा सुरक्षा व्यवस्था स्वयं हमारी भोजन व्यवस्था स्वयं हमारी रहने की व्यवस्था स्वयं हमारी ये क्या कर रहे ये केवल एक काम कर रहे बाबू बाबू जाओ 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 इसके अलावा इनके पास ये भी नहीं सोच पाए अगर ये कह दो इनके बीच में तो तुम्हारा क्या होगा। ये मानने वाले हैं लेकिन ये मेरे अनुशासन मेरी मर्यादा में इसलिए तुम्हारा सम्मान कर सकते अभी सम्मान को संभाल के रखो आपके लिए अच्छा हो आगे आने वाला भविष्य आपको माफ नहीं करेगा ये मैं इशारा किए जा रहा हूं। इनको अपनी मर्यादा का ख्याल रहे कि मैंने परिश्रम किस मुझसे दिया क्यों दिया करने की जरूरत क्या मैंने बिना परमिशन ही कार्यक्रम कर देता क्या कर लेते क्या कर लेते इस धार्मिक धरा पर पूजा करने का अधिकार नहीं है। इस धार्मिक धरा पर धर्म का संदेश मानवता इंसानियत का संदेश क्या देने का अधिकार नहीं क्या इसके लिए परमिशन की आवश्यकता। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ तुमसे पूछता हूँ कि भाई ये काम करेगी ना ये तुम अपना सम्मान समझिए मैं एडमिशन परमिशन नहीं लेता मेरे पास पूरे उत्तर प्रदेश का परमिशन है। मैंने एक समिति का गठन किया जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति उसका रजिस्ट्रेशन हाईकोर्ट से हमको अधिकार मिला है कि आप पूरे देश में धर्म का उद्देश्य धर्म का संदेश मानवता इंसानियत का संदेश आप दे सकते हो आपको पूरा अधिकार तो तुमसे परमिशन लेने की जरूरत है तब हाईकोर्ट ने देखिए। लेकिन मैं वो भी नहीं आपसे कहता चलो आपकी आपका सम्मान होना चाहिए आप एक सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हो अच्छी बात है लेकिन तुम सम्मान को लेने नहीं सम्मान लेना तुम जानते ही नहीं इतना आदमी आया इतना दिखाई नहीं देगा ये क्या यहाँ कर रहा क्या करने आया और क्या करके यहाँ से जाएगा ये तुम्हें दिखाई नहीं देगा ये तुमको आतंकवादी दिखाई दे रहा छोट गया दिखाई दे रहे तुम उसे कम इस पर तो विचार करो अरे भगवान के लिए तो कुछ सोचो समझो
जो तुम्हारे लिए एक मौका मिला था कि देखिए अच्छे से अच्छे काम में तुम सहयोग करना जानती कि नहीं, मैं इसीलिए आया। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा कितने धार्मिक है, कितने धार्मिक, कितने में नैतिकता है, कितने में नहीं, किसमें मानवता इंसानियत है, किसमें दानवता है, ये सब मैं देख रहे आया, देख रहा हूँ बड़ा और नोट कर रहा हूँ, सबको नोट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा नाम भी नोट कर रहा हूँ। तुमने धर्म में क्या सहयोग किया, आज ये राखी पर्व है, सारे हिंदुस्तान में गुरु के नाम से मनाया जाता, क्या इसके लिए कोई मजे धर्म के जाति के लोग परमिशन देते हैं? मैं तो फिर भी ले रहा हूँ, तुम अपना सम्मान ही नहीं समझ पा रहे, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। धार्मिक थे, धार्मिक सत्ता, और फिर भी धर्म के लिए परमिशन, ये क्या ये क्या है पूरे काम में, और तुम उनका कुछ कर भी नहीं पाते, एक भी चोर की चोरी नहीं छुड़ा पाए, एक जगह की गलती नहीं छुड़ा पाए, एक मार काट हिंसा करने वाले को तुम रोक नहीं पाए, झूठ बोलना, छलकबर, बेईमानी, बेचार कुचार करना, इनको तुम आज तक नहीं रोक पाए, तो तुम्हारी व्यवस्था है क्या? तुम कौन सी व्यवस्था जानती हो? वही व्यवस्था व्यवस्थित करना आप जानते हो? देश में क्या हो रहा, मार काट हिंसा चोरी कतलेआम व्यभिचार कुचार की इतनी आवाजें आ रही कि सुना नहीं जा रहा, तब मैं उसी आवाज को सुना, उसी दर्द को सुनकर मैं निकला हूँ, चलो लोगों के लिए सही सच्चा रास्ता शांति का बना दिया जाए और इन बेचारों को कुछ राहत शांति मिल जाए। यहाँ कोई न देने वाला न कोई सहयोग, कोई नहीं निकला, आपको विश्वास कर रहे हैं, आप कोई जमीन ले रहे कि आपसे कुछ मांगने आया, कोई हिंदुस्तान में नहीं कहता कभी किसी से एक रुपया नहीं मांगा, मेरा काम नहीं है, मेरा काम देने का लेने का नहीं, ये मोटी बात समझ लो, ये काम कोई नहीं कर रहा है हिंदुस्तान, चाहे चाहे राजनीतिक हो चाहे वो धार्मिक, ये काम नहीं है। आप देख लीजिए आपके सामने हो के प्रेमी की श्रद्धा और सेवा भाव देखिए आप, क्या क्या पत्रकार मीडिया का फर्ज नहीं है कि उसको नहीं भेजना चाहिए, देखिए शासन को भेजना चाहिए, कितने लोग मैदान में पूजा करने आ गए, उनकी क्या व्यवस्था कर रहे, इतनी बड़ी बड़ी भीड़े ये प्रयागराज कुंभ में, इतनी बड़ी बड़ी भीड़े होने इससे 10 गुना भीड़ वहां, तुम क्या करते, वहाँ सारी सुविधाएं, बिजली फ्री, भंडारे भोजन फ्री, आना जाना किराया फ्री, जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है उसका सम्मान, उसको परमिशन, जो राष्ट्रीय संपत्ति को बचने बचाने का काम कर रहा उसके लिए परमिशन, ये धोनी ये आप देख लीजिए। जय